सर्वो नमो नमः। आपने समुद्र तट नामक पाठ का अध्ययन किया, अब उस पाठ के आधार पर यह अभ्यास कर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। इसका जो पहला प्रश्न है उसको तो आप खाली पढ़ना है, आपको उच्चारण के लिए पहला प्रश्न है आपका। ये जैसे दिया हुआ है, उच्चारण गुरु तरंगई मत्स्य जीवना विदेश पर्यटकेभ्य संगमः तिस्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। उच्चारण इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है ना? क्या ये तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेश पर्यटकेभ्यः संगमः तिस्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए। क्वेश्चन नंबर टू में अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, जना काभी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? उत्तर होगा इसको नौका भी। देख क्या लिखा हुआ है, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, ये नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। फिर भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र किनारा कौन सा है? मेरीना तट, ये लिखा हुआ है। दीर्घतमः समुद्रतटः मेरीना तटः। फिर जनाः कुत्स्वयरं विहरन्ति, लोग अपनी मर्जी से कहाँ घूमते हैं? आंसर है इसका, ये लिखिए जुहू तटे, ठीक है ना? स्वयरं विहरन्ति जुहू तटे होगा। और इसके बाद बालका भी किम रचयन्ति, लड़के बालुओं से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? बालुकाग्रहम, ये लिखा हुआ बालुकाग्रहम, बालका जा बालुका भी बालुकाग्रहम। और इसका पांचवा क्वेश्चन है, कोच्चि तटा केभ्य आगते, कोच्चि का किनारा किसके जाया जाता है? नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फल के लिए कोच्चि का किनारा जाना जाता है। अब ये पठित उद्गम में एक छोटे छोटे प्रश्न है जो पैसेज बेस पे हैं, या आपका सीन पैसेज में आ सकता है और वहां से खोज के आपको लिखना होता है। पहला प्रश्न है, ऐसा कह, ढूंढिए कहाँ लिखा है ऐसा कह। ऐसा कह ये है, ऐसा समुद्र का, ठीक है, ऐसा समुद्र। दूसरा है, अर्थ जना किमर्थम आगच्छन्ति, यहाँ लोग किस लिए आते हैं? ये लिखा है अर्थ जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। के स्वजीविकां चालयन्ति, कौन अपनी जीविका चलाते हैं? ये लिखा है मत्स्य जीविना स्वजीविकां चालयन्ति, तीसरा है मत्स्य जीविना। समुद्र तटा कुत्सन्ति, समुद्र के किनारे कहाँ हैं? समुद्र किनारे अस्माकं देशे, ये लिखा है अस्माकं देशे। माने ऐसा का पहला प्रश्न ये है आपका किमर्थम, दूसरा ये पर्यटना है, ठीक है। फिर किम रचयन्ति बालका, किम रचयन्ति बालका ग्रह रचयन्ति, तीसरा ये है यहाँ पर आपका के स्वजीविकां चालयन्ति, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मत्स्य जीवना, ठीक है। पांचवा समुद्र तटा कुत्सन्ति, ये है अस्माकं देश समुद्र तटा सन्ति, ये आपका पांचवा है। ये के तटा प्रसिद्धा सन्ति, कौन कौन से तट प्रसिद्ध हैं? प्रश्न नंबर छठा, छठा ये लिखा है यहाँ पे, ये छठवा है, ये मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा प्रसिद्धा सन्ति, यह छठा का आंसर है आपका। सातवा गोवा तटा के ब्यारोस्ते, गोवा तटा किसके लिए चलता है? गोवा तट कहाँ है ये लिखा है, ये सातवां है, गोवा तटा विदेश पट के ब्यास बात का रोचते। आठवां पश्चिम दिशायाम का सागर अस्ति, पश्चिम की ओर कौन सा सागर है? पश्चिम की ओर है कौन सागर है आपका? ये है अरब सागर पश्चिम दिशा की ओर। जना इति पद बहुवचन किम, जना का जना होगा, ये है जना। बालका का बहुवचन बालका, ठीक है, बालका ये लिखा हुआ है। फिर बहवा का विशेषण, बहवा समुद्र का विशेषण क्या होगा? बहवा पश्चिम दिशायाम का व्यक्ति, यहाँ पे सप्तमी है, रमायाम पश्चिम दिशायाम, पद्मायाम सरलायाम सुशीलायाम। क्रीडन्ति पदे में कौन सा लकार है? लट है क्रीडन्ति में। भारत से पदे का व्यक्ति, यहाँ पे षष्ठी भारत से रामस्य पुस्तक से, ठीक है ना, इससे जहाँ होता है वो षष्ठी का ही वजन होता है।
लघुतमा विलोम पदम किम, लघुतमा पद का विलोम क्या होगा, दीर्घतमा, ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको सीन पैसेज कहते हैं और ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा है। ये प्रश्न पैसेज आपके सामने होता है, क्वेश्चन सामने होता है, वहां से पूछ कर लिखना होता है। ओके, खोल लीजिए इसको, फिर लिखिएगा और कहीं दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे गूगल क्लासरूम में। थैंक यू।